रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त हजरात खैरियत से होंगे, ठीक होंगे माशाल्लाह। आज हम डीजी खान तहसील तौंसा के बहुत बड़े गोट फार्म में आए हुए हैं, कसरानी गोट फार्म में। ये जिशान कसरानी का ये फार्म है, ये भाई ने हमें दावत दी है। आज हम आपको इस फार्म का पूरा विजिट कराएंगे, या आपको खूबसूरत ज़बरदस्त बकरियाँ भी दिखाएंगे, नस्ल की जहाँ ब्रीडर भी होंगे, लॉयल पूरी बकरियाँ भी होंगे वो भी दिखाएंगे। विजिट करते हैं गोट फार्म, कसरानी गोट फार्म का। या आप बोर्ड भी पर से नंबर भी लिखा हुआ है भाई का, जो भाई कुछ ले कोई चीज़ लेना चाहे वो भी ले सकता है। ये नंबर है जिशान कसरानी का, शानू खान इनका नाम है। आपको पूरे फार्म का आज हम विजिट कराएंगे, चलते हैं फार्म के अंदर चलते हैं। और ये मेन गेट है फार्म का, फार्म में हम इंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ नज़ारा है। ये बकरियों के लिए चारे का एक साइड पर उगाया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये गोट फार्म, किसान गोट फार्म की ये बिल्डिंग है। माशाल्लाह बहुत ही भाई ने खर्चा किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का। ये कोट कसरानी तहसील तौंसा शरीफ ज़िला डेरा गाजी खान, यहाँ बहुत खूबसूरत किस्म और महंगे और सस्ते नस्ल के बकरे भी मिलेंगे, बकरियाँ भी मिलती हैं। हर किस्म का माल का खरीद फरोख का मरकज़ भी है, आप दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। ये भाई आप देख रहे हैं, यहाँ बकरियों के लिए खूब बड़ा ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, सोलर प्लांट का। ये मर्सिबल बोर का ये इंतज़ाम किया हुआ है, मर्सिबल बोर का ज़बरदस्त एक यहाँ पानी के लिए एक अलग साफ़ सुथरा माहौल बना हुआ है, हाउस बना हुआ है पानी के लिए। ये सोलर प्लांट लगा हुआ है, बिल्कुल आप दोस्तों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये सामने बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये भी गोड़ कसरानी गोड फार्म आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा देख रहे हैं। ये इस पानी से ये अपना उधर घास भी उगाते हैं साफ़ सुथरे पानी से, बकरियों के लिए बाकायदा पूरा निज़ाम बनाया हुआ है भाई ने माशाल्लाह। ये डी जी खान तहसील तौंसा कोट कसरानी का इलाका है, सरदार शानू खान कसरानी का ये फार्म है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं माशाल्लाह, ये हाउस दिखा रहे हैं पानी का। ये आम बकरियों को पानी पिलाया जाता है इस हाउस में। अब तो बच्चे नहा रहे हैं, तो गर्मियाँ आ गई हैं, बकरियाँ अंदर हैं फार्म के अंदर हैं, या पानी पिलाते हैं इस हाउस में पिलाते हैं। और इसी हाउस में ये जो बरसीम ये जोडल जो भी ये घास उगाते हैं इस पानी से शराब करते हैं चारे को। फार्म के मेन गेट, हम अंदर वाले गेट की तरफ इंटर हो रहे हैं, आप दोस्तों को देख रहे हैं ये फार्म की लुक देखें माशाल्लाह। ये खूबसूरत ये लोहे की बाड़ी लगी हुई है, बेहतरीन माहौल है। इधर देखें भाई, ये देखें यहाँ बकरियों को चारा डाला जाता है, ये बकरी के लिए वाड़ियाँ बनी हुई है बेहतरीन ज़बरदस्त माहौल में। नीचे देखे रेत डली हुई है, खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है भाई ने। ये इनका टर्निंग पॉइंट है, ये इनके ये मेन दवा ऑफिस है फार्म का। फार्म की चारों तरफ से बाउंड्री आपको दिखा रहे हैं, इधर देखें इसकी बैक साइड पे आप देखें पूरा एक सिस्टम बना हुआ है फार्म का, आप दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। ये वाड़ियाँ बनी हुई हैं। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर जो फार्म के अंदर जो इस टाइम गर्मी है ना, बकरियों को गर्मी ना लगे इसलिए अंदर उनको रखा हुआ है, आपको वो माल दिखाते हैं, बेहतरीन नस्ल का माल है। भैया आपको दिखा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये बकरे खड़े हैं, कीड़े बकरे खड़े हैं माशाल्लाह, बहुत ही नस्ल के। आप ये बताएं, आप चार
मसाला किस तरह डालते हैं, इसकी खाद गुणा क्या है, आप क्या इसको डालते हैं, आप थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन ये दे दें। जरूर देंगे सही, ठीक है। अंदाजा तो रे नहीं तो चौकी रेन तक खड़ा पैसे तक उस तरीका ले ले 50 लाख तक बस। ठीक है जी हां, इन्होंने कुल छिगे थे के पीछे रेट कटी जी वैसे। ठीक है चौके नुने दे रेट नहीं देना था। ठीक है जी ये तुम्ही टाइम कसराणी गोट फार्म ते सारे को ये जे ले ले खड़े ने खीरे खड़न डुंदे खड़न छिगे खड़न ना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तोता नकोड़े जो गुलाबी कलर लंबे करने वाले बहुत ही खूबसूरत ब्रीडर खड़न से जरा भाई घिनन चाहे नंबर तुम वीडियो दे विच भाई इनका मौजूद है पिया तुसा राबता कर सकते हो। शानू खान जरा गोदेन वो ई टाइम इतना कह नहीं उन्हें राबता कर सकते हो, उन्हें अलवा सकते हो। उन्हें छेड़ दे दुम्बे तो उड़ी खेने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खड़न से इन्हें दी कीमत ही इन्हें दी खाद खुरा की भाई उन्होंने पता करने ये डी जी खान तहसील कौन सा फारा में बहुत वड़ा तुम्बा खड़े से ये नारे माधी है सही नारे सही। अच्छा कितनी साल इन ये जी उम्र कितनी है इन्हें उम्र साल दा साल दा उसी। अच्छा क्या कीमत होसी इन अंदाजा 85,000 दा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तुम्बे तो लिखेने पे दोस्तों कसाणी गोट फार्म दे विच माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है तो बकरे लिखेने पैसे तुम्बे लिखेने पे तुर्की तुम्बे ये पूरी लाट मौजूद है जरा दोस्त अब आप भाई लेना चाहे खरीद नंबर इस वीडियो में मौजूद है आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। इस फार्म में दोबारा भी आते रहेंगे आप बकरे दिखाते रहेंगे और इधर और बकरियां खड़ी हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नस्ल की मोहम्मदपुरी बकरियां खड़ी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये बच्चों वाले इसमें बकरियाँ भी हैं बगैर बच्चों हैं गबन बकरियाँ भी हैं आप दोस्तों को दिखा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नस्ल की बकरियाँ खड़ी हैं। ये सिर्फ केरी बकरे बई नस्ल मोहम्मदपुर के अलावा बई केरी नस्ल खड़ी है बीतल बीतल बकरियां कौन सी इसमें काली जी ये काली जी बीतल बकरियां हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरियां आप देख रहे हैं बीतल ये बीतल बकरियां आप दोस्तों को दिखा रहे हैं कीमत क्या है इन्हें दी ये बीतल से कीमत बहुत महंगा है। ठीक है मोहम्मदपुर कीमत थोड़ा घट है। अच्छा अंदाजा क्या हो बीतल का ये भाई आप दोस्तों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरियां दिखा रहे हैं ये मोहम्मदपुरी बकरियां हैं तोता निकोर है नकोड़ में ये आपको बहुत खूबसूरत बकरियां दिखाई हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे अच्छे और बकरियां भी दिखाएंगे। इस टाइम सरदार तारा खान को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।